एक बार स्वामी विवेकानंद जी शिकागो भाषण देने के लिए गए थे। शिकागो में सायंकाल के समय वह भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते समय वह एक पुल से गुजर रहे थे कि उनकी नजर कुछ युवकों पर पड़ी। उन्होंने पुल पर खड़े होकर देखा कि कुछ युवक नदी में तैरते हुए अंडे के छिलकों पर निशाना लगा रहे थे। दुर्भाग्यवश उनमें से किसी भी युवक का निशाना सही से अंडे के छिलकों पर नहीं लग रहा था। ऐसे में स्वामी विवेकानंद जी उनके पास गए और उनसे निशाना लगाने के लिए बंदूक मांगी और निशाना लगाने लगे। स्वामी विवेकानंद जी ने अपना पहला निशाना लगाया और उनका निशाना बिल्कुल सही लगा। उन्होंने लगातार एक के बाद एक 12 निशाने बिल्कुल सटीक लगाए। युवकों ने अचंभित होते हुए पूछा कि क्या आप निशानेबाज हैं? सभी युवक अलग अलग सवाल करने लगे। स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि मैं कोई निशानेबाज नहीं हूँ, अपितु यह सब ध्यान का खेल है। तो युवकों ने दोबारा सवाल किया कि अपने ध्यान कैसे लगाया? स्वामी विवेकानंद जी का जवाब था कि अगर आप किसी भी कार्य में सफलता पाना चाहते हैं, तो उस कार्य में आपको तन और मन दोनों उचित तरह से लगाना पड़ता है, तभी आप सफलता पा सकते हैं। अगर आप अपने तन और मन को उस लक्ष्य में लगा देते हैं जो आप पाना चाहते हैं, तो लक्ष्य कितना भी मुश्किल क्यों न हो, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का यह कथन आज भी दुनिया के बहुत से लोगों को कामयाब बनाता है। स्वामी विवेकानंद जी का मानना है कि मनुष्य का जन्म किसी लक्ष्य के लिए हुआ है। मनुष्य के जीवन का मकसद लक्ष्य को पहचानकर उसे प्राप्त करना है, तभी मनुष्य का जन्म सफल होता है। उसका वे भी मानना है कि अगर किसी के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है, वह व्यक्ति एक जीती जागती लाश है।